तो आज की ये MIS एग्जीक्यूटिव की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको एक सीक्रेट बताने वाले हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। इंटरव्यू बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, लेकिन आपका सिलेक्शन ही कैसे, वो क्यों आपका सिलेक्शन करेगा इंटरव्यूअर, उसी की ट्रिक्स और कैसे करना है मेथड वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम वही देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, राइट अ फॉर्मूला इन येलो सेल्स ऑफ टेबल, मतलब येलो यहाँ था, यहाँ फॉर्मूला आपको लिखना है, फॉलोइंग बिलो मेंशनड क्राइटेरिया। इफ देखो यहाँ पे लिखा है क्राइटेरिया क्या, इफ लेस देन दीज शुड वी फेल एल्स पास, यानी लेस देन दीज मतलब ये फर्स्ट मोड है, 10th है, अगर 40% से कम है तो क्या होगा, फेल लिखा है ना, फेल एल्स पास, एल्स पास कब, 40% से अबव। इसी तरह मोड फर्स्ट है, 12th है, तो इसमें देखो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड, तो इसमें इफ के साथ एंड लगेगा, और इफ के साथ एंड कैसे लगेगा दिखाता हूँ। जैसे इफ, इफ के साथ एंड, सारे लोग इसी तरह करने वाले हैं, गारंटी देता हूँ, ध्यान से सुनना, आपको यूनिक ट्रिक्स बताने वाले हैं हम। इफ के साथ एंड, पहला लॉजिक क्या करेंगे, दिस एंड दिस, ये पहला लॉजिक होगा, दिस एंड दिस इज इक्वल टू डबल कोट में क्या, 10th first, अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, 10th first, जैसे ऐसे यहाँ ये पोजीशन पे कंबाइंड किया तो यहाँ भी यही पोजीशन, 10th first, तो 10th first, ऐसा नहीं फर्स्ट 10th, ठीक है, 10th और लिख दो फर्स्ट, डबल कोट बंद। तो ये है, देखेगा हाँ 10th first, यहाँ ट्रू हो गया, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, दिस क्या होना चाहिए, 10th first के लिए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, यानी लेस देन है, दैट मीन्स ये जो मार्क्स है यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 10th में क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40%, ब्रैकेट बंद। तो अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो भैया दे दो पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला ना लेस देन दीज, तो यानी 40 से कम है तो फेल, और पास दीज एल्स दैट मीन्स ग्रेटर, तो यानी ये ग्रेटर देन है, यानी ये ग्रेटर देन है 40 से, राइट, तो पास। अब मान लो यहाँ पे 39 आ गया, तो 39 40 से ग्रेटर देन नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स, तो फॉल्स में फेल, ऐसा होगा। तो फिर इफ, अब देखो कितना कंडीशन लगाना होगा, 10th first के लिए, 10th second के लिए, 3rd के लिए, 4th के लिए, फिर 12th first के लिए, 2nd के लिए, लंबा फॉर्मूला जाएगा। फॉर्मूला कैसा जाएगा, देखो मैंने लगा के रखा है, कुछ इस टाइप से बनेगा फॉर्मूला, देखो सब तो ऐसे ही करने वाले होंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो देखो। इसको क्या कर लो, यहाँ पे 10th first 10th है ना, तो फर्स्ट आप ऐसे कंबाइन कर लो, फर्स्ट 10th भी कर सकते हो, 10th first दोनों भी कर सकते हो, तो वहाँ भी इसी हिसाब से हमें करना होगा। चलो फर्स्ट ये लिया दिस, एंड इसको कर लिया दिस, ठीक है, इसको फ्रीज कर दो, या टाइप भी करके कर सकते हो, लेकिन अब इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, तो 10th 4th तक आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या कर लो, फर्स्ट एंड 12th कर लो, इसको फ्रीज कर दो, F4 प्रेस करके इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर दो, 4th 12th तक आ गया। अब क्या करो, ये वैल्यू कॉपी कर लो, ये फर्स्ट 10th के लिए थी और ये वैल्यू क्या थी, इसके लिए थी, राइट, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, इतना कर लिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू इफ, लॉजिकल टेस्ट हम क्या डालेंगे, सिंपल वही यहाँ भी करने वाले हैं, दिस ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, अब किसके बराबर भैया, तो आओ वी लुकअप, लुकअप वैल्यू फर्स्ट 10th है यहाँ पे, तो दिस एंड दिस, राइट, टेबल अरे दिस, राइट, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, 0, ब्रैकेट बंद, और इसको फ्रीज कर दिया F4 प्रेस करके, ठीक है, इसका परसेंटेज आएगा, यानी ग्रेटर देन दिस, वही चीज़ किया यहाँ भी, तो वैल्यू इफ ट्रू तो पास, एल्स तो फेल, एंटर, और इसको ड्रैग कर दिया, चेक करो सेम रिजल्ट आ रहा है, सही है क्या, आपका सिलेक्शन होगा अगर आपने ऐसे सिंगल इतना, और जिसने बड़ा फॉर्मूला बनाया और आपने छोटे में बना के कर दिया, थोड़ा दिमाग लगा के, समझ जाएगा इंटरव्यूअर, थोड़ा ये दिमागी है, मेरा काम अच्छे से करेगा और आपका सिलेक्शन होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3 देखते हैं। इसमें लिखा है क्या है, व्हाट इज द, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द टोटल सेट एट जियो लेवल, पीपल शो द डिटेल थ्रू स्लाइसर, तो जब थ्रू स्लाइसर की बात आ रही है तो जियो लेवल से हमारा टोटल सेल क्या हुआ वो करना है कंबाइंड। तो यहाँ पे देखो ऐसा कुछ नहीं, अगर आपका सिलेक्शन होना है तो आप यहां पे टोटल मत करो, सिंपल क्या करो, इंसर्ट जाओ, पाइवट टेबल जाओ, न्यू वर्कशीट है, ओके करो, जियो लेवल बोला है, जियो को ले लिया रो में, लेकिन अब यहां पे टोटल सेल, तो मैंने यहां पे टोटल सेल का हमने क्या किया, बना दिया, इसलिए आ रहा है, नहीं होगा जैसे ये नहीं रहता, राइट, मैं यहां पे ये कैलकुलेटेड फील्ड है, ये यहां पे आप लिख दो टोटल सेल 1, चलो बता देता हूं, यहां पे लिख दो टोटल सेल 1,
फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू, तो टोटल बोला है तो राम श्याम गीता पूजा ऐड करो, इसको क्या करो इंसर्ट करो, प्लस श्याम इंसर्ट करो, प्लस गीता इंसर्ट करो, प्लस पूजा इंसर्ट करो, प्लस शीनु इंसर्ट करो, पाँचों हो गया, ओके करो, टोटल सेल वन आ गया। अब आप यहाँ पे करो टोटल सेल वन को यहाँ पे ले लो, तो 5393, देखो चेक कैसे करना है, 5393 आ रहा है, तो क्वेश्चन थ्री पे जाओ, इस पूरे को सेलेक्ट कर लो, देखो कह रहा है ना 5393 यानी सही आंसर आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे आप एनालाइज पे जाके स्लाइसर डाल दो, बोला ना थ्रू स्लाइसर के थ्रू डिटेल चेक कर सके, तो स्लाइसर में काम करो मंथ भी डाल सकते हो, या एक काम करो प्रोडक्ट डाल दो, मंथ भी इंसर्ट कर लेना, और जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा उसका थ्रू स्लाइसर देख सकेगा, राइट, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन करना दिमाग लगा के, सब क्या करते हैं यहाँ पे टोटल डालते फिर पाइवट लगा कैसे, आप थोड़ा दिमाग लगा के करो, जिससे इंटरव्यूअर मतलब प्रेशर बन जाए कि इसको सिलेक्शन भाई आता है, नॉलेज है। क्वेश्चन वन, इसमें क्या करना है, वेटेज है अमित का 60%, एक्यूरेसी इसकी 40%, तो प्रोडक्टिविटी रेटिंग निकालनी है यहाँ पे और एक्यूरेसी की रेटिंग निकालनी है यहाँ पे, और फिर फाइनल रेटिंग देनी है। तो कैसे दोगे, तो प्रोडक्टिविटी की रेटिंग का आप देखो ये है परसेंटेज, 100% से ज़्यादा है तो 5, 95% से ज़्यादा है तो 4.5, 95%, तो इफ़ कंडीशन के साथ यहाँ प्रोडक्टिविटी की रेटिंग ले आओगे, यहाँ से कर लोगे आप, उसी तरह एक्यूरेसी की रेटिंग इसके बेस पे ले आना, ये क्राइटेरिया के बेस पे, यानी देखो एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ, इफ़ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है पहला 100%, तो यहाँ पे 100%, तो अगर ये 100% है तो 5, ठीक है, फॉल्स, तो फिर इफ़ फिर इसी को लिया, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 95%, तो कितना है भैया 4.5, तो 4.5, फिर इफ़ यहाँ पे अब कितना है दिस, अब कितना है ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ग्रेटर देन इक्वल टू 92%, तो कितना है ट्रू पे 4, इस तरह इफ़ जोड़ते जाना, फिर एक बार और इफ़ दिस, एक मैं कर देता दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 92 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 90%, राइट, तो कितना है 3.5, राइट, लास्ट में वैल्यू फॉल्स, तो अंडरस्टूड है कितना है 3, तो 3 डाल दो, यानी 90 से कम होगा 3, ब्रैकेट बंद इंटर, चेक कर लो 95 है, तो 95 पे कितना है 4.5 तो आ रहा है। तो ये हो गया मेरा, इतना हो गया। अब इसमें क्या बोला है, वेटेज तो 60% ही देना है, तो यहाँ पे ये आ गया जब, तो इसी के आगे इंटू 60% कर लो, क्योंकि आउट ऑफ 5 है ना, तो ये आ गया। अब यहाँ पे एक्यूरेसी की भी इसी सेम टाइप से इसके बेस पे कर लेना और लास्ट में ऐड कर देना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई हैं, बताया कॉन्सेप्ट, अगर आप और भी चीज़ें डेप्थ में सीखना चाहते हैं, बहुत सारे रियल टाइम क्वेश्चन भी दिए गए हैं हमारे ऐप का, लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में भी दिया गया है, या आप क्या कर सकते हैं lmech.courses.store.chrome पे टाइप करना है, हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां आप अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी हमारा यूनिक कोर्स है अरे मास्टरी, जिसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, इसे सीख लेने के बाद किसी भी टाइप का इंटरव्यू आप खुद से क्रैक कर सकेंगे, कैसी भी क्वेरी खुद से कर सकेंगे, और इसमें रियल टाइम क्वेश्चन भी MIS एग्जीक्यूटिव में दिए गए हैं, और आप इसमें अपने पर्सनल डाउट कोर्स के डाउट इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इस तरह डेटा एनालिसिस का है, VVA का कोर्स है, पावर BI का कोर्स है, बहुत सारे कोर्स हैं, अगर आप हमारी ऐप की रेटिंग देखेंगे तो 5 out of 5 ऐप की रेटिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।